दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विपुल पटेल। अगर आप AWPL में काम कर रहे हो तो आपके लिए मैं एक और प्रोडक्ट का वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। हाँ जी, और ये प्रोडक्ट कौन सा है तो यहां पे आप देख सकते हो, प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनोडॉग। तो ये इम्यूनोडॉग के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी ले, उससे पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको और भी AWPL के प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सामने जो बेल आइकन रहेगा उसको भी क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और इस YouTube चैनल के ऊपर AWPL के और भी प्रोडक्ट के वीडियो हैं जो मैंने बनाए हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइए और वीडियो को जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा तो डेफिनेटली आप AWPL में एक प्रोडक्ट का अच्छी तरह से रिजल्ट आप ले सकते हैं। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि सर AWPL प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं मिलते। रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपका प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। देना कैसे है, क्या परहेज करना है, ये सारी जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है। किसको भी ये इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट की जानकारी है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा ही आएगा, इतनी मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि ये जो AWPL का जो प्रोडक्ट इम्यूनोडॉग, इसमें क्या क्या चीज़ डाली गई है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आपके सामने ये जो इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट है तो इसमें क्या डाला गया है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, तो आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले जो डाला गया है इम्यूनोडॉग के अंदर, वो ये डाला गया है कि एलोवेरा ये प्रोडक्ट में डाला गया है। उसके बाद इसमें त्रिफला प्रोडक्ट में डाला गया है। उसके बाद एप्पल इसमें डाला गया है। उसके बाद कोकुम उसमें डाला गया है। पुनर्नवा इसमें डाला गया है। रोड सी पाउडर इसमें डाला गया है। उसके बाद गिलोय इसमें डाला गया है। अश्वगंधा इसमें डाला गया है। मुलेटी इसमें डाला गया है। तुलसी इसमें डाला गया है। गिंगर इसमें डाला गया है। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे के सारी चीज़ मैंने जो आपके सामने पढ़ी है, वो सारी की सारी ये इम्यूनोडॉग के अंदर डाला गया है। अभी बात करते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी में आता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 1000 ml, हाँ जी 1000 ml की ये सीसी आती है, यानी कि 1 लीटर में ये आपको मिल जाएगा। कि ये इम्यूनोडॉग को बनाता कौन है, तो डेफिनेटली ये जो इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट है इसको जो बनाता है एसलीपीएस वेलनेस खुद बनाती है, यानी कि AWPL कंपनी खुद इस प्रोडक्ट को बनाती है। जयपुर के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग है और कंपनी खुद इस प्रोडक्ट को बेचती है। अभी हम लोग जानते हैं कि ये जो AWPL का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की MRP की कीमत कितनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी जो MRP वो है 2212 रुपया इसकी MRP कीमत है। ध्यान में रखिए MRP कीमत है 2212, ये उसकी MRP है। बात करते हैं इसकी DP प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, तो 1844 1844 ये इसकी DP प्राइस है। बात करें इसकी SP पॉइंट तो इनका 12 पॉइंट आपको मिलता है। तो ये रही ये इम्यूनोडॉग की जानकारी। तो दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं कि ये जो इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट है कौन सी बीमारी पे आप दे सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ बीमारी है जो आपके सामने मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि जिनको पैरालाइज की समस्या है, लकवा हो जाता है, उनको आप इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट दे सकते हैं। सर्विकल करके बीमारी आती है उस पर आप इम्यूनोडॉग दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे दिखा गया जिसको फीवर है, यानी कि बुखार होता है, सर्दी खांसी बुखार होता है, उनको आप ये इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट जरूर दे सकते हैं। जिनको स्टोन यानी कि पथरी की समस्या होती है उनको भी आप ये इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद गायनेकली प्रॉब्लम यानी कि जिनको बच्चे नहीं होते उनको भी आप इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद रसोली करके जो बीमारी आती है उन पे भी आप ये इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट दे सकते हैं। उनके बाद जो हेयर की समस्या है, जिनके बाल झड़ते हैं, उनको भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद मसल पेन जो होता है उनमें भी आप इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट दे सकते हो। उसके बाद जिनको पिंपल्स की समस्या है उनको भी आप प्रोडक्ट ये इम्यूनोडॉग दे सकते हैं। उसके बाद वाइट स्पॉट यानी कि जो वाइट दाग का समस्या होती है उनको भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। कैंसर की जिनको समस्या है उनको भी आप इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट दे सकते हैं।
जिनको नस ब्लॉक हो जाती है उनको भी प्रोडक्ट आप दे सकते हो, जिनकी गांठ की समस्या है उनको भी प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, अपेंडिक्स हरियाणा की जो समस्या होती है उनमें भी आप ये इम्यूनोक दे सकते हैं, और जिनको हार्ट की समस्या है उनको भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद जिसको हाइट ग्रो करना है, हाइट बढ़ाना है, उनको भी आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद जिनको यूरिन का प्रॉब्लम है तो यूरिन का प्रॉब्लम को भी आप दे सकते हैं। उसके बाद किडनी और डायलिसिस की समस्या है उनको भी आप दे सकते हैं। उसके बाद एडिक्ट जो समस्या होती है उनमें भी आप इम्यूनोक दे सकते हैं, जिसको नशा छुड़वाना होता है तो उनको एडिडोक देना होता है, लेकिन साथ में आप इम्यूनोक भी उनको दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें जिसको अस्थमा की समस्या है उसको भी आप इम्यूनोक दे सकते हो, जिनको थायराइड की समस्या है उनको भी आप ये प्रोडक्ट जरूर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइग्रेन की जो समस्या होती है उनको भी आप इम्यूनोक दे सकते हैं, जिनको पाइल्स मसा बगंदर की जो समस्या होती है उनको भी आप इम्यूनोक प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद जिसको स्टेमिना बढ़ाना है स्टेमिना के लिए भी आप दे सकते हैं। उसके बाद लीवर की समस्या रहेगी उसमें भी आप इम्यूनोक प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिनको एलर्जी की समस्या है उनको भी प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। उसके बाद जिसको आँखों की समस्या है उनको भी प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। उसके बाद वीकनेस है उनको भी आप इम्यूनोक प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद वॉइस जिसको बोलने की समस्या होती है उनको भी आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो आपके सामने में जो मैंने बीमारी बताई है उनमें सभी में आप इम्यूनोक प्रोडक्ट दे सकते हैं। सिर्फ इम्यूनोक नहीं उसके साथ में और भी प्रोडक्ट देने होते हैं, लेकिन जो मैंने बताई बीमारी उसमें आप उसको ये प्रोडक्ट जरूर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान में आपको ये रखना है कि इम्यूनोक सिर्फ बीमार है इसी वजह से आपको नहीं लेना है। इम्यूनोक का जो प्रोडक्ट है ये इम्यूनिटी पे काम करता है। आज इंसान बीमार क्यों पड़ता है, बीमार पड़ने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा पानी नहीं मिला, अच्छी हवा नहीं मिली, नींद ना सही से मिलना, ऐसे बहुत सारे कारण से इंसान बीमार पड़ जाता है। ऐसा कहा जाए कि इंसान के अंदर दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं। अच्छे होते हैं वो बीमारी से हमको बचाते हैं, लेकिन जो बुरे होते हैं वो हमको बीमार पड़ते हैं। यानी हमारे अंदर दो फौज है, एक लड़ने वाली फौज है और एक मारने वाली फौज है। तो हमको लड़ने वाली जो फौज है अगर इसको ताकत देना है तो इम्यूनोक आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इम्यूनोक लेते हो तो आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको बढ़ाता है। जब आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ती है, रोग प्रतिकारक की शक्ति वो बढ़ती है, तो फिर आपके बॉडी में जो बीमारी होनी चाहिए वो बीमारी आती नहीं, और बीमारी रहेगी उसको अच्छा कर देता है। अगर आप साल में 2 से 3 बोतल अगर इस इम्यूनोक को पीते हो तो डेफिनेटली जो बड़ी बड़ी बीमारी है वो तो कभी आएगी नहीं, लेकिन छोटी बीमारी है वो भी आपके पास आने वाली नहीं है। तो इस इम्यूनोक को जो मैंने बीमारी बताई उनको आप दे सकते हैं, और नहीं भी बीमार है तभी आप प्रोडक्ट को ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो इम्यूनोक प्रोडक्ट है आप बहुत सारे लोगों को नहीं दे सकते, जैसे कि जिनको शुगर है, तो जिनको शुगर की समस्या है उनको आप इम्यूनोक नहीं दे सकते, तो उसके जगह पे आप नोनी दे सकते हैं। हाँ जी, इम्यूनोक शुगर वालों को नहीं देना है, वहाँ पे अगर जिसको शुगर है तो वहाँ पे आप नोनी दे सकते हैं। दूसरा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप इम्यूनोक प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी आप इम्यूनोक प्रोडक्ट नहीं दे सकते। तो ये मैंने जो बताया है ये जगह पे इन लोगों को आपको प्रोडक्ट नहीं देना है, ध्यान में रखना है। जो छोटा बच्चा है, जो दूध पी रहा है, अभी जन्म हुआ है, ऐसे बच्चों को नहीं दे सकते। हाँ, कोई 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा है जो खाना खा रहा है तो उनको आप दे सकते हैं, लेकिन ML कम करना है, 2 ml या 2.5 ml इतना ही आपको देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और जब भी आप इम्यूनोक को खोलते हो, जब कंज्यूम करते हो, जब पीते हो, तो बोतल को पहले हिला देना है। AWPL के जितने भी प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में अगर आप पीते हो तो पहले बोतल को पहले हिला देना है, बराबर हिला देना, उसके बाद उसको खोलना है। और जब आप इम्यूनोक को खोलते हो या और भी लिक्विड प्रोडक्ट है तो उनको गर्म जगह पर नहीं रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मल जगह पर रखना है। और जब खोलते हो तो जब बंद करते हो तो बराबर उसको बंद करना है। और एक बार इम्यूनोक अगर आपने खोल दिया तो 1 महीने में आपको उसको पूरा करना ही करना है। जितने भी AWPL के प्रोडक्ट हैं वो आपको 1 महीने के अंदर पूरा करना रहता है। हाँ जी, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है।
उसके बाद जब आप इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या क्या परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि परहेज भी बहुत ध्यान में रखना है। तो परहेज में आपको एक तो खट्टा चीज इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, ये थोड़ा खट्टा लगता है लेकिन अंदर जो खट्टापन है वो पूरा निकाल देता है, तो आपको खट्टा नहीं खाना है। उसके बाद आपको तीखा तला हुआ बहुत कम करना है। बाहर के जो जंक फूड है जैसे कि वड़ा पाव, समोसा, चाइनीज फूड आइटम, मसाला वाला चीज, ये आपको बहुत ही कम खाना है। उसके बाद आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, थम्स अप, स्प्राइट, पेप्सी या कोई भी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक, ठंडा चीज आपको नहीं इस्तेमाल करना है। उसके बाद आइसक्रीम भी नहीं खाना है, ठंडी चीज इसलिए नहीं खाना आपको, ठंडा जूस नहीं पीना है आपको, कोई भी प्रकार का ठंडा चीज आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद आपको कोई भी प्रकार का अल्कोहल, कोई भी प्रकार का नशा, विपल, गुटखा, सिगरेट या दारू, कोई भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना है। और कोशिश कीजिए जब भी आप AWPL के प्रोडक्ट लेते हो दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिया करो, तब जाके आपको रिजल्ट थोड़ा अच्छा मिलेगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट है उनको लेना कैसा है। तो उनको जो लेना रहेगा, कांच का ग्लास लेना है जिसमें गुनगुना आपको पानी डालना है, 6 ढक्कन पूरा पानी डाल देना है। इसके अंदर आपको ढक्कन दिया गया है वाइट कलर का, वो ढक्कन 6 ढक्कन डालना है। उसके अंदर आपको शुरुआत के सात दिन आपको 15 ml लेना है, 8वें दिन से कंटिन्यू आपको 20 ml लेना है। ये आपको ध्यान में रखना है। सुबह और शाम 2 टाइम लेना है, और खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपको इसको लेना है। तो ये रहा उसको लेने का तरीका। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट है इनके मैंने आपको जानकारी दी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को आपके टीम में शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक जरूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीखने मिला तो प्लीज आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो आप अपने टीम में शेयर जरूर कीजिएगा। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके टीम में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो आपके टीम में शेयर करोगे तो इसका आपके टीम में वीडियो जो है इम्यूनोडॉक जो है उसका प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज मिलेगा, और जब नॉलेज मिलेगा तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो फिर आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो आप इस वीडियो को आपके टीम में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।